ये क्वेश्चन है, इफ ए कॉमा ए स्क्वायर प्लस टू एंड ए क्यूब प्लस टेन आर इन जीपी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सो हमें ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर जीपी में थ्री टर्म्स अगर हमारे होते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म ए इंटू ए क्यूब प्लस टेन। सो इसका होल स्क्वायर अगर हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए की पावर फोर प्लस फोर प्लस फोर ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए की पावर फोर प्लस टेन ए। सो ये हमारा एक ए टू द पावर फोर ए टू द पावर फोर हमारा ये कट जाएगा एंड ये हमारा हो जाएगा फोर ए स्क्वायर माइनस टेन ए। ये हमारा हो जाएगा फोर ए स्क्वायर माइनस टेन ए प्लस फोर इज इक्वल टू हमारा जीरो हो जाएगा। सो यहां पे हम पूरे में टू से डिवाइड कर दे रहे हैं। ये हमारा हो जाएगा टू ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। सो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं टू ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस ए प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। सो टू ए अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ए माइनस टू माइनस वन इंटू ए माइनस टू इज इक्वल टू जीरो एंड ए माइनस टू इंटू टू ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सो यहां से ए की दो वैल्यूज आती हैं, एक हमारा आ जाता है ए इज इक्वल टू टू एंड दूसरा हमारा आ जाता है वन बाई टू। तो हमें ए की ही वैल्यू इस क्वेश्चन में निकालनी है।